कैसे हैं सब लोग? आई लव यू टू, आई लव यू थ्री, आई लव यू फोर। क्या नजारा, इतनी माँ बहनें सब आई हुई हैं अपना अपना काम छोड़ के, बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं जेल में था, मेरे को पता चला बहुत सारी मेरी माँ बहनों ने पूजा पाठ किया कि केजरीवाल जल्दी बाहर आ जाए। बहुतों ने व्रत रखे, मन्नत मांगी। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरी सारी माताओं बहनों का, जिनके आशीर्वाद से आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। ये कोई किसी चमत्कार से कम नहीं था जो मैं आ गया, नहीं तो मोदी जी ने तो पूरी कोशिश करी थी केजरीवाल अंदर ही रहे, लेकिन ऊपर वाले का बजरंगबली का चमत्कार देखो, आज मैं आपके बीच में आ गया। मैंने आपको बहुत मिस किया, आपको बहुत मिस किया। आप लोगों ने किया? किस किस ने मिस किया मेरे को? आई लव यू दोस्तों। जेल का जवाब, जेल का जवाब। मैं मन में सोच रहा था, मैं एक छोटा सा आदमी हूं, एक छोटी सी पार्टी है, बस दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार है। प्रधानमंत्री जी कितने बड़े आदमी हैं, कितने शक्तिशाली आदमी हैं, पूरे देश के राजा हैं। उन्होंने मेरे को जेल में क्यों डाला? वो दिल्ली के काम रोकना चाहते हैं, वो दिल्ली के काम रोकना चाहते हैं। मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर है मैंने आपके बच्चों के लिए अच्छे सरकारी स्कूल बना दिया। मेरा कसूर है मैंने आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर दिया। मोदी जी ये स्कूल रोकना चाहते हैं, इसलिए मेरे को जेल में डाला। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी मैंने मान लो 500 स्कूल बनाए दिल्ली में, आप तो देश के राजा हो, आप 5000 स्कूल बनाओ ना, 50000 स्कूल बनाओ आप, तब तो आपका बड़प्पन है। आप केजरीवाल को गिरफ्तार करके केजरीवाल के स्कूल बंद करना चाहते हो, ये गलत बात है, ये ठीक बात नहीं है। मेरा कसूर क्या है? मैंने आप लोगों के लिए पूरी दिल्ली में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, आपके लिए फ्री दवाइयों का इंतजाम कर दिया। मोदी जी इनको बंद करना चाहते हैं मोहल्ला क्लिनिक को, इसलिए मेरे को गिरफ्तार किया। मैंने मोदी जी को कहा, मैंने कहा कि दिल्ली में मैंने 530 मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, आप पूरे देश में 500,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ, गांव गांव में बनाओ मोहल्ला क्लिनिक, तब तो आपका बड़प्पन है। केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक क्यों बंद करना चाहते हो? और विडंबना देखो बहन जी, मैंने सारी दिल्ली वालों के लिए दवाइयां फ्री कर दी, और जब मैं तिहाड़ गया इन्होंने मेरी दवाइयां बंद कर दी, 15 दिन तक इन्होंने मेरे को दवाई नहीं दी। मैं इनके सामने गिड़गिड़ाता रहा, भीख मांगता रहा। मैं शुगर का मरीज हूं 20 साल से शुगर है मेरे को, और 10 साल से मेरे को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, रोज 4 बार मेरे पेट में इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं रोज। जब मैं तिहाड़ गया इन्होंने मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं दिए, मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिया। मेरी शुगर 300 पहुंच गई, 140 होनी चाहिए, 350 शुगर पहुंच गई। कहते हैं अगर शुगर ज्यादा दिन ज्यादा रह जाए तो आदमी का लिवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है। पता नहीं ये क्या करना चाहते थे मेरे साथ। मेरा कसूर यह है मैंने आपकी बिजली फ्री कर दी। मोदी जी ये फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं। अभी आपने पता नहीं देखा, परसों आज तक पे इंटरव्यू आ रहा था मोदी जी का, आज तक वालों ने पूछा कि दिल्ली में केजरीवाल ने महिलाओं की बस यात्रा फ्री कर दी। मोदी जी बोले ये ठीक नहीं है, बस यात्रा फ्री नहीं करनी चाहिए। मैंने मन में सोचा आपको क्या तकलीफ है, अगर हमने दिल्ली की सरकार ने पैसे बचा के हमारी महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री कर दी, इतनी महंगाई हो रही है, अगर थोड़ी सी सुविधा कर दी तो आपकी क्या तकलीफ है? आपका बड़प्पन तो तब है जब आप पूरे देश की सारी महिलाओं की बस यात्रा फ्री कर दो, तब तो बड़प्पन है। दिल्ली वालों की भी बंद करना चाहते हो, पर चिंता ना करना, मैं जब तक केजरीवाल है बंद नहीं होने दूंगा मैं।
और अब मैं आ गया, आपके हजार हजार रुपए महीना भी शुरू करूंगा जल्दी, चिंता ना करना बिल्कुल। अब ये कह रहे हैं 2 तारीख को केजरीवाल को फिर जेल जाना है, जेल का जवाब, जेल का जवाब आपके ऊपर है। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। वोट पड़ेगी, झाड़ू का बटन दबाओगे तो केजरीवाल आजाद घूमेगा आप लोगों के बीच में। दोस्तों ये पीछे पड़ गए आम आदमी पार्टी के, रोज किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया बेचारा जेल में है, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, सतिंदर जैन को गिरफ्तार कर लिया, परसों इन्होंने मेरे पीए को गिरफ्तार कर लिया, अब कहते हैं आतिशी को भी गिरफ्तार करेंगे, सौरभ भारद्वाज जी को भी गिरफ्तार करेंगे। अरे हमने प्रधानमंत्री चुना था, थानेदार चुना था, कुछ अच्छा काम करो। देश में इतने दुखी हो रहे हैं लोग, इतने दुखी हो रहे हैं लोग, इतनी महंगाई होगी, कुछ लोगों की महंगाई दूर करो, बच्चों को रोजगार दो, तब तो बड़प्पन ने सुबह से शाम तक इसको भी जेल में, इसको भी जेल में, इसको भी जेल में, ये क्या। और झूठे केस, बिल्कुल फर्जी केस, कह रहे हैं 100 करोड़ का घोटाला हो गया, 1000 करोड़ का घोटाला हो गया। इन्होंने इतनी रेड मार ली, 54 नहीं मिली अभी तक, 54 नहीं मिली कहीं से भी। 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का घोटाला हो गया, कुछ तो कहीं तो कैश मिलेगा, ज्वेलरी मिलेगी, जमीन, कुछ नहीं मिला, फर्जी पूरा का पूरा केस। इस तरह से आप जेल में लोगों को डालोगे, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। पूरे देश में खूब गुस्सा, मैं भी पूरे देश में घूम के आ रहा हूं। पिछले हफ्ते में लखनऊ गया था, हरियाणा गया, कुरुक्षेत्र गया, पंजाब गया, महाराष्ट्र गया, लखनऊ गया, पूरे देश में लोग इतने नाराज हैं बीजेपी से, इतनी महंगाई हो गई, इतनी बेरोजगारी, बच्चे घर बैठे हैं बेरोजगार। मेरे से लिखवा लो 4 तारीख को मोदी सरकार नहीं बन रही, मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। और ये भी सर्वे कराते हैं, इनको पता है ये जाने वाले हैं, इसलिए आजकल आप देखोगे इनकी भाषा कैसी हो रही है, गाली गलौज दे रहे हैं आजकल प्रधानमंत्री जी। मैं बंबई गया, वहां पे मोदी जी आए, बोले शरद पवार भटकती आत्माएं। शरद पवार 84 साल के बुजुर्ग हैं, मोदी जी 74 साल के हैं, ऐसे गाली देनी चाहिए? भाई आप दूसरी पार्टी में हो सकते हो, अलग अलग पार्टी, लेकिन इज्जत तो एक दूसरे की करनी चाहिए। बोले बॉम्बे गए मोदी जी, बोले उद्धव ठाकरे अपने बाप की नकली संतान है, ऐसी भाषा तो सड़क छाप, ये क्या भाषा है, ये क्या भाषा है। एक दिन बोले इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो सबके मंगलसूत्र छीन लेंगे, क्यों छीनेंगे भाई, ये क्या बात हुई। तो बौखलाए हुए बुरी तरह से, बौखलाए हुए बुरी तरह से। 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और आम आदमी पार्टी उसका हिस्सा होगी, और दिल्ली वाले दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे, और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। हैं? तो कोई एलजी काम नहीं रोकेगा, उसके बाद आपका एलजी होगा, अपना एलजी, दिल्ली वालों का एलजी होगा, काम करने वाला एलजी होगा। और हमने स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, बिजली ठीक कर दी, अब कानून व्यवस्था भी ठीक करनी है दिल्ली की। कानून व्यवस्था खराब हो रही है बहुत ज्यादा, चोरी चकारी है ना बहुत ज्यादा, तो ये कानून व्यवस्था भी, थाने जाते हो पुलिस वाले सुनते नहीं है, 4 तारीख के बाद सुनेंगे, आपके अंडर में होंगे, आपके आपके अंडर में होंगे।
आज दोस्तों जब मैं जेल गया मेरे को आप लोगों की बहुत चिंता रहती थी। आप लोगों के ठीक है नहीं है, आज मैं अपनी पत्नी को लेके आया हूं, सुनीता केजरीवाल को अपने साथ। ये मेरे और आपके बीच में पुल का काम करती थी जब मैं जेल में था। तो ये मेरे को आके बताती रहती थी, लोग ठीक हैं, ये समस्या है, ऐसे है, और मेरा संदेश ही आप तक लेके जाती थी। तो आज मैं इनको लेके आया हूं, दो शब्द ये भी कहेंगी। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आप सभी की इतनी दुआएं थी, आशीर्वाद था, इसी वजह से आपके मुख्यमंत्री मेरे पति आज हमारे बीच में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भी सच का साथ देते हैं, ये एकदम खरी बात है ना? आप अब चाहते हैं ना कि आपके मुख्यमंत्री हमारे बीच में रहे और इनको दोबारा जेल नहीं जाना पड़े? इसके लिए क्या करना है आपको? इसके लिए आपको 25 मई को सभी को जरूर जरूर वोट देने जाना है। जाएंगे? झाड़ू का बटन दबाएंगे? बटन दबेगा। जय हिंद। 25 मई जेल का जवाब। दोस्तों एक और बात है, बीजेपी ने पूरा प्लान बना लिया, अगर इनकी सरकार आ गई तो इस बार ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, एससी का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, एसटी का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। इसीलिए सबको मिल संविधान बदलने की पूरी प्लानिंग बना रखी है इन्होंने। हम लोग सब लोग आज बहुत शुक्रगुजार हैं बाबा साहब अम्बेडकर के, अपने स्वतंत्रता सेनानियों के जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया। अपने को जनतंत्र बचा के रखना है, संविधान बचा के रखना है, और किसी भी हालत में बीजेपी को संविधान नहीं पलटने देना। तो अपने को बीजेपी को पूरे जोर से हराना है। एक चीज ध्यान रखना, 25 मई को गर्मी बहुत पड़ेगी, एसी में मत बैठ जाना, कभी आलस कर जाओ नहीं करोगे ना, जाओगे ना, गर्मी होगी, पसीना आएगा। और एक काम, अपनी गली में जितने आम आदमी पार्टी के वोटर हैं और जितने कांग्रेस के वोटर हैं, सबको निकाल निकाल के खींच खींच के लेके जाना और वोट डलवाना, एक भी वोट घर में नहीं बैठना चाहिए। पक्की बात। भारत माता की। और ये कुलदीप हैं, यहां से खड़े हो रहे हैं, इनका बटन एक नंबर का है और इनको एक ही नंबर पे लेके आना है। बसंती छोला, बसंती छोला, बसंती छोला।